तो फाइनली दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस टाइप के इमेज क्रिएट करना चाहते हैं अपने नाम से, देख सकते हैं गाइज यहाँ पे आदित्य लिखा हुआ, तो अपने नाम से कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए आज की इस वीडियो बताते हैं कैसे ढेर सारा करेंगे। देख सकते हैं गाइज 1 2 बहुत सारा अपने नाम से करना चाहते हैं, तो चलिए बताते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपली दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे बिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल फोन में। बिंग एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अनेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ से प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं गाइज आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, देख सकते हैं गाइस आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। खुल जाने के बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ पर साइड में देख सकते हैं एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको गूगल से लॉगिन कर लेना होगा। उसके बाद से गाइस यहाँ पे इमेज क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इमेज क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे एक फॉन्ट पेस्ट कर देना होगा। यहाँ पे मैं एक फॉन्ट पेस्ट कर देना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम आपको दे देंगे। और यहाँ से सिर्फ अपना नाम चेंज करना होगा। सिंपली आपको सिर्फ आप आदित्य शर्मा की जगह पे अपना नाम चेंज कर क्रिएटिव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्रिएटिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं चार इमेज बनकर तैयार हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो सिंपली दोस्तों पहले पर क्लिक कर यहाँ से डाउनलोड कर लेता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।